हाँ बेटा, इसमें एक बार करेक्शन कर लेना है लास्ट में। नाउ फ्रॉम द चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, जैसा बोला मैंने, एस टू मस्ट भी हमने बात करी, एस वन पे माइनस क्यू आ गया, तो आप पूरे पर नेट जीरो रखना है, इसलिए एस टू कितना होगा ऐसे बता दिया करो बेटा। बिल्कुल ये सही किया बच्चे ने एकदम। ठीक है, ये अगर माइनस क्यू यहाँ पर आ गया तो बाहर वाले पर चार्ज कंजर्वेशन से कितना आएगा, प्लस क्यू आएगा। ठीक है, बात कर ली अभी अपन। और फिर आपका ये भी समझ में आ गया, इनर वाला सरफेस पर यूनिफॉर्म होगा। अब आउटर सरफेस पे आता है, ठीक है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज कैसा होगा? नाउ आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं, प्लस क्यू। ठीक है, तो वही था आपका सिचुएशन। देखो एक बार फिर से मैं रीड्रॉ कर दूं इस पेज पे। जैसे आपका ये सेंट स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो प्लस क्यू है सेंटर पे, कंडक्टिंग शेल है अभी, अपने अंदर प्लस क्यू रख रखा है सेंटर पे। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा, और बाहर कितना आएगा आपका, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, रीजंस आपको क्लियर है इनके, माइनस क्यू यूनिफॉर्म होगा। अब हम बाहर सरफेस पर प्लस क्यू बोल रहे हैं, ठीक है, तो प्लस क्यू यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा एस टू पर, या आपने अंदर वाली को क्या बोला, एस वन बोला, बाहर वाली पर एस टू बोला। ठीक है ना, क्यू ऑन सरफेस एस टू, एस टू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, क्यों? क्यों, ये आइसोलेटेड चार्ज है क्या? आइसोलेटेड चार्ज है क्या, वो भी अंदर चार्ज नहीं है? क्यू ऑन सरफेस एस टू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बिकॉज, यहाँ बिल्कुल एक रीजन है, बिल्कुल ये भी एक रीजन है। देखो दोनों लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। एक इन्होंने बोला अभी बिल्कुल सही बोला कि आपको नेट फील्ड इनसाइड जीरो करना है, नेट फील्ड इनसाइड, और आपको पता है स्फीयर पर जब तक यूनिफॉर्म चार्ज नहीं रखोगे अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा। बात हो चुकी है अपनी, है एक स्फीयर पर जब तक यूनिफॉर्म चार्ज नहीं आएगा अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा। तो नेट फील्ड, बिकॉज नेट फील्ड इनसाइड मस्ट बी जीरो ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू, इसमें तो दिक्कत नहीं है बेटा किसी को भी, क्लियर है बात? ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं कि स्फीयर पे एक यूनिफॉर्म चार्ज रख दिया जाए तो अंदर उसके क्या होता है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो एक तो ये चीज है, अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो अंदर फील्ड जीरो कैसे होगा, वो हो नहीं सकता। सेपरेट यूनिवर्स है, अंदर वाले चार्जेस मिलकर बाहर नेट फील्ड जीरो पैदा करते हैं, बाहर वाले सारे चार्जेस मिलकर अंदर नेट फील्ड जीरो पैदा करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक सबको? तो अब मैं कह रहा हूँ आपको कि एक और रीजन मैं दे सकता हूँ कि जैसा आपको पता है कि आउटसाइड, हाँ बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे लो। तो उससे फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए? ये कैसे बोल सकते हैं बेटा, प्लीज लॉजिकल हो, ये एकदम समझदारी से बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। बिल्कुल ध्यान से बात करेंगे फिजिक्स में। बाहर आपको किसी भी पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ कि बाहर का प्लस क्यू यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना, प्लस क्यू मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो एक ये बिल्कुल अच्छा रीजन है जिसने भी दिया, बहुत अच्छा किया, कि बाहर के चार्जेस के वजह से अंदर फील्ड जीरो करने के लिए प्लस क्यू मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब मैं आपसे सेकेंड पॉइंट पूछ रहा हूँ कि एक और रीजन वैसा दे सकते हैं कि हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कोई बोल रहा था, अब नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने बोल रहा था वही रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर सी दूसरा रीजन है। बेटा आप फिर वही बात ना कि आपके लिए तो ये प्लस क्यू तो इंडिपेंडेंट है, मतलब आइसोलेटेड है प्लस क्यू तो, क्योंकि पता है नेट अंदर से बाहर फील्ड तो आता ही नहीं, तो प्लस क्यू को क्या पता कि अंदर कुछ है, समझ रहे हैं बेटा इस चीज को? प्लस क्यू को क्या पता कि अंदर कुछ रखा है, अंदर से तो कोई फील्ड आता ही नहीं ना बाहर, अगर बाहर चार्ज होता तो बिल्कुल ये फिर आइसोलेटेड नहीं रहता सरफेस चार्ज एस टू का। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्लस क्यू ऑन एस टू इज आइसोलेटेड, प्लस क्यू ऑन इज आइसोलेटेड बिकॉज बिकॉज नेट फील्ड फ्रॉम इनसाइड चार्जेस, नेट फील्ड फ्रॉम द इनसाइड चार्जेस एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट विल बी जीरो।
क्लियर है बेटा एकदम। नेट फील्ड ड्यू टू द आउटसाइड चार्जेस, जो इनसाइड चार्जेस एट एनी आउटसाइड पॉइंट विल बी जीरो। तो प्लस क्यू क्या है, स्टिल आइसोलेटेड है, तो किसको फॉलो करेगा? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इम्प्लाइज प्लस क्यू मस्ट बी यूनिफॉर्म। ठीक है ना, प्लस क्यू मस्ट बी यूनिफॉर्म। तो यहां तक बेटा कोई डाउट? अब पूरा हो गया आपका सारा। प्लस क्यू सेंटर पे रखेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बात मैंने पूरी बता दी है। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन?